नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप पेनी शेयर्स के बारे में। हमें बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, सर वैसे पेनी शेयर बता दीजिए जिसमें हम इन्वेस्ट करें और वो एक मल्टी बैगर रिटर्न दे, क्योंकि बहुत सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो कि अभी मल्टी बैगर रिटर्न दिए हैं, तो उसे देख करके बहुत सारे जो हमारे व्यूवर्स हैं उनके मन में सवाल आता है। जैसे में देख सकते हैं आलोक इंडस्ट्री, ये एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है इन्वेस्टर को, जो 4 रुपीज़ के प्राइस पे इन्वेस्ट किया था उन्हें देख सकते हैं अभी 287% का रिटर्न मिल चुका है। 287% का रिटर्न मात्र 2-3 महीने में, तो समझ सकते हैं। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल आता है और कमेंट में जो है ऐसे क्वेश्चन भरे पड़े रहते हैं कि हमें वैसे पेनी शेयर बताइए जिसमें हम इन्वेस्ट करें और हम भी एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त करें और हम भी एक जो है मिलीनियर बन जाए। दोस्तों ऐसे शेयर बहुत सारे कम है क्योंकि इसमें स्पेकुलेशन होता है, मतलब जो ऑपरेटर्स होते हैं इसमें मूव कराते रहते हैं ऊपर नीचे, तो ऐसे स्टॉक्स में अगर एक बार आप फंस गए तो फिर पछताओगे। जैसे अभी हमारा है आलोक इंडस्ट्री, अभी आप इसमें बाय नहीं कर सकते क्योंकि लगातार अपर सर्किट लग रहा है, लेकिन किस दिन ये उल्टा डायरेक्शन में आने लगेगा, किस दिन इसमें लोअर सर्किट लगने लगेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन हम आपको 5 इसमें पेनी स्टॉक्स बताएंगे जो कि मतलब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग्स हैं, जो कि मतलब थोड़े अच्छे स्टॉक्स हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला स्टॉक्स तो आपने जान ही गया कि आलोक इंडस्ट्री है। आलोक इंडस्ट्री को रिलायंस ने एक्वायर किया और इसे फिर से रिलिस्ट किया और ये रिलिस्ट हुआ देख सकते हैं 17 रुपीज़ और 16 रुपीज़ के प्राइस के अप्रॉक्स। वहाँ से ये स्टॉक्स लगातार नीचे मूव किया और अपना लोवर बनाया देख सकते हैं 3 रुपीज़ 80 पैसा का। 3 रुपीज़ 80 पैसा का लो बनाने के बाद ये स्टॉक्स फिर से लगातार देख सकते हैं सर्किट के साथ ऊपर मूव कर रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे हमारे व्यूवर्स से उसके मन में सवाल आता है कि अगर हम भी इसमें इन्वेस्ट होते तो हमें भी एक मल्टी बैगर रिटर्न प्राप्त होता। दोस्तों कभी भी पेनी स्टॉक्स में ना फंसे, क्योंकि जो मल्टी बैगर रिटर्न है आपको एक अच्छे स्टॉक्स भी दे सकते हैं। अभी बहुत सारे ब्लू चिप कंपनियों के स्टॉक्स हैं जो आपको बहुत ही लो कॉस्ट पे मिल रहे हैं, 50% 60% के डिस्काउंट पे मिल रहे हैं, तो आप वैसे ब्लू चिप कंपनियों में इन्वेस्ट करें, वो भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन एक लॉन्ग टर्म के लिए जब आप इन्वेस्ट करते हैं, जब आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं तो वो आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देंगे। ये सारे छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स जो होते हैं, वैसे पेनी स्टॉक्स जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, तो वो ज़रूर आपको मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। कई सारे पेनी स्टॉक्स हैं जो कि पेनी स्टॉक से आज एक ब्लू चिप स्टॉक्स बन चुके हैं, लेकिन सारे पेनी स्टॉक्स ऐसे नहीं हो सकते हैं। कुछ पेनी स्टॉक्स हैं जिसके लिए आपको उसके बिजनेस को देखना पड़ेगा, उसके बिजनेस जो है थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसमें मोनोपोली टाइप का हो, मतलब कोई उनके वैसे प्रोडक्ट हो जिसका मार्केट में डिमांड हो और मार्केट में उनके उस प्रोडक्ट को कोई टक्कर देने वाला नहीं हो, तभी जा करके वो स्टॉक्स जो है आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकता है। आलोक इंडस्ट्री अभी कर्ज की बोझ से पूरी तरह से दबा हुआ था और अभी आप इसके हमने एक वीडियो में डिटेल में बताया है, यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप उसमें देख सकते हैं। इसके अभी भी इसके पास जो है टोटल डेप्थ है, क्योंकि कंपनी अभी जो ये एक्वायर किया गया है फिर से इसे के शेयर को प्लिस्ड कर दिया गया है, तो ये सारे बातों को आप देख करके तब जा करके आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर रिटर्न तो आप देख ही रहे कि ये 4 रुपीज़ से हमारा अभी 17 रुपीज़ के आसपास जा चुका है, मतलब एक मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है बहुत सारे इन्वेस्टर को। लेकिन आप अगर इसमें इन्वेस्ट ही करना चाहते हैं तो सीखने के लिए आप 200-400 रुपये इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन कभी भी ज़्यादा अमाउंट ना कर दें। आप 200-500 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सीखने के लिए, जैसे आप लर्न कर पाए कि हमारा जो स्पेकुलेशन होता है वो हमारा पेनी स्टॉक्स में किस प्रकार होता है। तो पहला हो गया आलोक इंडस्ट्री जो कि पेनी स्टॉक्स में थोड़ा अच्छा स्टॉक्स है। दूसरा ऊर्जा ग्लोबल देख सकते हैं, ऊर्जा ग्लोबल में भी बहुत सारे कमेंट्स आते हैं क्या हम इसमें इन्वेस्ट करें, क्या हम इसमें बाइंग करें। दोस्तों आप देख सकते हैं ये स्टॉक भी अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, ये देख सकते हैं 52 वीक हाई 3 रुपीज़ 12 पैसा है और ये अपने 52 वीक हाई के करीब है। तो इसमें जैसे अब 3 रुपीज़ जाएगा, फिर 4 रुपीज़ जाएगा और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो रिटेल इन्वेस्टर का और चॉइस बढ़ने लगता है कि हम और इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर तो हम इसमें बहुत बड़ा
मतलब मिलीनियर बन जाएंगे इसमें। लेकिन जैसे ये 3 रुपया गया, 4 रुपया गया, 5 रुपया गया, जैसे फिर से ऑपरेटर वहाँ से माल को सेल करेगा अपना, और फिर इसमें लगातार प्राइस में फॉल होगा, फिर आप इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे, अपना माल बेच भी नहीं पाएंगे, फिर आप इसमें फंस जाएंगे। तो कुछ इस तरह का होता है। और आप कितने दिन तक फिर होल्ड करोगे, क्योंकि इसका फिर से प्राइस को रिकवर करने में कितने वर्ष लग जाएंगे, कितने साल लग जाएंगे, कोई नहीं कहा जा सकता। लेकिन ब्लू चिप कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हैं, अभी जो 50% करेक्शन में मिल रहे हैं, अगर उसमें थोड़ा सा गिरावट भी हो जाता है तो वो फिर से तेज़ी के साथ अपना प्राइस रिकवर कर लेगा। तो ये कुछ इस तरह का सिनेरियो रहता है। तो आप अपना जो मनी है उसको सेव करके रहें, मनी को बचा के रखें। स्टॉक मार्केट में सबसे जो इम्पोर्टेंस है अपने रुपये को सुरक्षित रखना। अगर आपने सुरक्षित रख लिया तो निश्चित है कि आप स्टॉक मार्केट से कमा पाएंगे। तो इन सारी कंपनियों में भी जैसे इसमें थोड़ा सा करेक्शन आता है कभी, तो आप 200-400 रुपये सीखने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कोई डिविडेंड भी नहीं है। तो वैसे पेनी स्टॉक जो लगातार डिविडेंड पे करते हैं और अच्छा डिविडेंड पे करते हैं, तो आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो फिर आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन ये सारे स्टॉक्स देख सकते हैं, इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखिएगा तो ये स्टॉक्स देख सकते हैं, अभी कभी कभी ये 15 रुपीज़ एवव का हुआ करता था, 10 रुपीज़ एवव का हुआ करता था, फिर इसमें भारी गिरावट आया और देख सकते हैं अपने न्यूनतम प्राइस पर जा चुका था, फिर से यहाँ से गिरावट आया देख सकते हैं 10 रुपीज़ से एवव जाने के बाद, और अपने न्यूनतम प्राइस पे जा चुका था। तो इस तरह से बार बार इसमें स्पेकुलेशन चलता रहेगा और जो ऑपरेटर है वो अपना मनी बनाते रहेंगे। उसके बाद तीसरा स्टॉक है हमारा ट्रीडेंट। दोस्तों ये स्टॉक्स बहुत ही बेहतरीन है, इसका डिविडेंड यील्ड देख सकते हैं 9% का है, मतलब आपका 10 ईयर्स में आपका रुपया पूरी तरह से वापस मिल जाएगा। लेकिन इसमें करेक्शन आता है, मतलब ये रूप देख सकते हैं 3.05 रुपीज़, तो यहाँ पर आप इसका 20% डिविडेंड यील्ड जा चुका था, मतलब डिविडेंड यील्ड जो होता है करेंट प्राइस का परसेंटेज होता है, कितना परसेंट करेंट प्राइस का ये डिविडेंड देता है, तो देख सकते हैं 9.13%, तो 20% जा चुका था। वैसे में आप 5 साल में आपका रुपया वापस हो जाता 3 रुपीज़ पर अगर इन्वेस्ट करते, क्योंकि लगातार डिविडेंड देती है हर साल। वास्तव में ये स्टॉक्स पैनी स्टॉक्स नहीं था, आप यहाँ जो देख सकते हैं जैसे यहाँ पर प्राइस देखते हैं 3 रुपीज़, तो यहाँ प्राइस 2005 में ये 3 रुपीज़ नहीं था, इसका एक्चुअल प्राइस 30 रुपीज़ था, क्योंकि स्प्लिट हुआ तो प्राइस इसका 10 से डिवाइड हो गया, मतलब स्प्लिट जिस रेशियो में होता है स्टॉक का फेस वैल्यू उसी रेशियो में प्राइस कम कर दिया जाता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं ये स्टॉक्स कितने का 10 रुपीज़ 35 पैसा, वास्तव में ये स्टॉक जो है 113 रुपीज़ का हुआ करता, 103 रुपीज़ का, 103 रुपीज़ का स्टॉक्स हुआ करता था देख सकते हैं 2017 में। अभी जो ये स्प्लिट हुआ कब हुआ तो ये देख सकते हैं 3 जनवरी 2020, मतलब जनवरी के महीने में ये स्प्लिट हुआ अप्रॉक्स जनवरी फरवरी में, उस समय ये स्टॉक 70 रुपीज़ का हुआ करता था। 70 रुपीज़ से ये स्प्लिट हुआ तो इसका जो है 10 से फेस वैल्यू 1 कर दिया गया, तो 10 के रेशियो में इसका प्राइस भी कम कर दिया गया, तो 6 रुपीज़ से ये नीचे आ गया था 3 रुपीज़ पे, तो उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि वास्तव में ये स्टॉक्स पैनी स्टॉक्स नहीं है, बल्कि फेस वैल्यू इसका जो स्प्लिट हुआ उसके कारण इसका प्राइस जो है आपको बहुत ही कम देखने मिल रहा है, नहीं तो ये स्टॉक्स 50 रुपीज़ से एवव का हुआ करता था। देखते हैं 50 रुपीज़ से एवव का हमेशा ये स्टॉक्स पिछले कई सालों से रहा है। तो इन स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं अगर ये बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस मिलता है, क्योंकि हर स्टॉक्स हमें अभी 50% डिस्काउंट में मिल रहा है, तो ये स्टॉक भी मिलना चाहिए। तो आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये रेगुलर डिविडेंड भी पे करती है, अच्छी कंपनियां हैं, इसके बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। अगर आप इसके वीडियो देखना चाहते हैं कि ट्रीडेंट के बारे में जो हमने डिटेल में बनाया है, तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, ये पेनी स्टॉक्स बेहतरीन स्टॉक में से एक है। उसके बाद आता है हमारा जो अगला पेनी स्टॉक्स है मैक्सन फार्मा। दोस्तों ये भी बेहतरीन स्टॉक्स है, देखते हैं ये भी डिविडेंड लगातार पे करती है, रेगुलर डिविडेंड पे करती है, ये भी स्टॉक्स देखते हैं बहुत ही इसमें भी एक्सपेक्टेशन देखने मिला है। देखते हैं कभी 100 रुपीज़ का स्टॉक्स हुआ करता था, और फार्मा सेक्टर बहुत दिनों से अंडर परफॉर्म रहा है, फार्मा सेक्टर अंडर परफॉर्म रहा, लेकिन फिर भी कुछ स्टॉक्स है जैसे अबेटो इंडिया, ये सारे स्टॉक्स कभी भी आपको उसमें इफेक्ट देखने नहीं मिलेगा, वो स्टॉक्स लगातार परफॉर्म किया है, तो ये स्टॉक लेकिन अंडर परफॉर्म रहा है हमेशा, देख सकते हैं। अभी ये स्टॉक्स जो है नीचे 11 रुपीज़ का लो बना रहा था, उस समय आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते थे, क्योंकि अब तो फार्मा के स्टॉक देख सकते हैं लगातार अपना नया पे नया हाई बना रहा है। अभी ये भी देख सकते 9.85 रुपीज़ का लो बनाने के बाद अभी अपने हाई के पास आ चुका है, तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करने से बचें, इसमें करेक्शन आता है तो इन्वेस्ट आप कर सकते थे। तो ये भी बेहतरीन पेनी स्टॉक्स है जो कि लगातार डिविडेंड पे करती है। तो ऐसे ही पेनी स्टॉक में, और उसके सबसे पहले बिजनेस को देखें, इसका हम भी डिटेल में वीडियो
वीडियो बनाएंगे अलग से, तो आप उन वीडियोस को देख करके, और पीछे जो था हमारा ट्रीडेंट आलोक इंडस्ट्री उसका वीडियो हम बनाए हुए हैं, तो उसके वीडियो को देखें, उसके प्रोडक्ट को देखें, उसके बिजनेस को देखें कि उसका प्रोडक्ट कैसा है, उसका मार्केटिंग कैसा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, मतलब सेल्स और किस तरह से इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है कंपनी का, उसके आधार पर इन्वेस्ट करें। तो वैसे पेनी स्टॉक जो लगातार डिविडेंड पे करती हो और जिसका बिजनेस में लगातार सेल्स में ग्रोथ हो रहा हो, तो वैसे पेनी स्टॉक में जो इन्वेस्ट करें। कुछ वैसे पेनी स्टॉक में होते हैं जिसके सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, मतलब जिसमें लगातार उतार चढ़ाव देखने मिलता है, तो वैसे सेक्टर के जो स्टॉक्स होते हैं वो फिर हाई जाते हैं, फिर लो आते हैं, क्योंकि उसमें जो सीजनल बिजनेस होते हैं, वैसे बिजनेस जो करते हैं स्टॉक्स, मतलब जो कंपनी, उसके स्टॉक्स भी पैनी स्टॉक होते हैं। तो इसलिए आपको बहुत सारी रिसर्च करना चाहिए, उसके बाद इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारी राय रहेगी कभी भी आप पैनी स्टॉक में इन्वेस्ट ना करें। हमें तो पैनी स्टॉक सुनने से भी डर लगता है कि जो ब्लू चिप कंपनी है उसमें आप अभी इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक बेहतर रिटर्न मिलेंगे आगे चल करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर। ऐसे पेनी स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं 200-400 रुपये इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, सीखने के पर्पज से किस तरह से इसका प्राइस अप जाता है फिर डाउन जाता है, तो इस तरह से आप इसको सीख सकते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है कॉम्पुकॉम सॉफ्टवेयर, मतलब ये हमारा आईटी सेक्टर से ये कंपनियां है, तो इसलिए हमने लिया है कि ये कंपनियां हो सकता है अब जो हमारा अभी का जो पैंडेमिक सिचुएशन है उसके बाद वही बिजनेस टिक पाएगा जो कि ऑनलाइन ज़्यादा है। तो वैसे इस बिजनेस जिस जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, साथ साथ जो कि घर बैठे किया जा सकता है, वैसे बिजनेस अब ज़्यादा मतलब धीरे धीरे प्रोग्रेस करेंगे, तो आप ऐसे कंपनियाँ जिसका बिजनेस जो है हमारा वर्क फ्रॉम होम ज़्यादा हो, तो वैसे कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये भी स्टॉक्स देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया है इधर, यहाँ पर देख सकते हैं एक साल का रिटर्न आप देख लीजिए, एक साल यहाँ देख सकते हैं, मार्च तक ये अंडर परफॉर्म था, मार्च से यहाँ पर अभी तक देख सकते हैं 125% का रिटर्न दे चुका है। देखते हैं अब अपना 52 वीक लो यहाँ पर बना रहता है 3.15 रुपीज़ पर, यहाँ से अब ये अपने हाई के पास आ चुका है, तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो फिर फंस जाएंगे, क्योंकि ऑपरेटर्स इसे फिर से अपना प्रॉफिट बुक करेगा और ये प्राइस शेयर जो है लगातार फिर नीचे फॉल करेगा, तो फिर आप यहाँ पर सेल भी नहीं कर पाएंगे अपना स्टेक। तो ये लगातार हाई पर हाई जा रहा है, आप इसमें जैसे देखेंगे कि ये तो 100% का रिटर्न दे चुका है कुछ ही दिनों में, बस आप इसमें इन्वेस्ट कर बैठेंगे, जैसे इन्वेस्ट कर बैठे फिर आप जैसे फंस गए इसमें, कुछ और प्राइस ऊपर जाएगा, फिर वहाँ से लगातार फॉल होना होगा, फिर ये रुकेगा ही नहीं शेयर ऊपर, फिर आकर के अपने न्यूनतम प्राइस पे जाकर के रुकेगा। आप देख सकते हैं मैक्सिमम ईयर का चार्ट, कभी भी ये स्टॉक्स परफॉर्म ही नहीं किया है, अभी इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी देखने मिल रहा है। तो इस तरह के स्टॉक्स जो कि मतलब डिविडेंड देता हो लेकिन उसका बिजनेस में ग्रोथ हो, सेल्स में ग्रोथ हो, उनके प्रोडक्ट जो है मार्केट में कुछ अच्छे प्रोडक्ट में से एक हो, तभी जाकर के वो पेनी स्टॉक्स आपको आगे चल कर के एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो इसलिए आप वैसे ही पेनी स्टॉक में इन्वेस्ट करें जिसका बिजनेस सेल्स अच्छा हो, जिसमें ब्रांड वैल्यू हो, तो इन सारी चीज़ों को देखने के बाद ही पेनी स्टॉक में भी इन्वेस्ट करें। हमारी राय होगी आप 200-500 रुपये सीखने के पर्पज़ से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेनी स्टॉक का रिसर्च है, जो पेनी स्टॉक्स जानना चाहते हैं उसका सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।